हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फ़ोन 2 ए एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी क्यूआर कोड से। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपका एक क्विक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें आपका जो वाईफाई का आइकन होता है ना, इसे उंगली से दबा के रखना है तो आपका ये पेज आता है। इसमें देखिए, पहले तो वाईफाई के सामने वाला बटन ये ऑन कर लेना है। तो आपको नीचे इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसमें आपको नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको है ना ऐड नेटवर्क के सामने जो स्कैनर का ये आइकन है, इसे टैप करना है। तो ये आपका ना वाईफाई का स्कैनर ये ओपन हो जाता है। तो आपको अपने इस वाईफाई के स्कैनर से सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का क्यूआर कोड होगा ना, उसे आपको स्कैन करना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को कनेक्ट करने का, वो भी क्यूआर कोड से। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का क्यूआर कोड है, वो सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में कहाँ पर मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में ना आपको इसी तरीके से वाईफाई का आइकन उंगली से दबाना है, दबा के रखना है, तो आपका ये वाला पेज आ जाएगा सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो ये जो वाईफाई कनेक्टेड होगा ना, सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई कनेक्टेड होगा, तो कनेक्टेड वाईफाई के सामने जो सेटिंग का आइकन है, इसे टैप करना है। तो ये पेज आएगा, इसमें आपको शेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन लॉक डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये राइट क्लिक कर देना है, तो आपको सामने ना वाईफाई का क्यूआर कोड इस तरीके से दिखाई दे जाएगा सामने वाले पर्सन के मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो इस वाले क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के वाईफाई के क्यूआर कोड से स्कैन करना है। ठीक है,